अम्मा से भी लंबा हो गया, हो गया मेरे बराबर हो गया ये? नहीं थोड़ा ओ, थोड़ी रह गया, थोड़ा सा रह गया यार। लंबा हो गया तो आपके बराबर हो गया, इतनी जल्दी कैसे लंबा हो गए? मेल मिलाप, मेल मिलाप। ये देखो कुनारी भी लग गया काम में। मैं भी ले जाऊंगा, मम्मी कहाँ तक ले जानी, घर तक। चलो तो आज का ब्लॉग कौन स्टार्ट करेगा? मैं करूंगा। चलो तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गाँव। फाइनली गाइस, बहुत दिनों के बाद आज हम जा रहे हैं, पता नहीं कितने महीनों के बाद गाँव जा रहे हैं। मतलब मम्मी लोग तो जाते रहते हैं बट मैं नहीं जा पाता। मैं लंदन गया था ना तो उस टाइम सारे गए थे, तो आज फाइनली मैं भी जा रहा हूँ, बाबू से मिलेंगे सबसे। चलो फिलहाल तिलक लगाते हैं और फिर निकलते हैं सीधा गांव के लिए। जय। सुबह के 7 बज रहे हैं, मस्त नहा धो के सभी रेडी हो चुके हैं, बस पापा जो साइड नहीं जा रहे। ओरियो भी नहीं जा रहा है, एक बार मंदिर में प्रणाम करो। कर लिया। हैप्पी जर्नी। नहीं, काम ही करने में मत रहना। कौन सा काम? ये घर घुर का, घर काम हम ना टाइम से खाना बना के खाना खा लेना, यानी कि सारा दिन मैं लगे रहूं, ठीक है ना? मेरा प्लॉट का काम है। प्लॉट कोई बात नहीं, वहाँ भी जाते रहना, घर आके अपना खा खू लिया। तो फॉर्च्यूनर अपनी रेडी है। तो गाइस ब्लैक फॉर्च्यूनर हमारी ये फर्स्ट ट्रिप होने वाली है, तो देखते कैसी रहती है। मम्मी कुछ भूलना मत यार, फिर वापस आना पड़ेगा। कुछ भूले तो नहीं हो? तो सभी बैठ गए फॉर्च्यूनर में, चले फिर अम्मी। हाँ चलो। ये तो बस गाड़ी में बैठते ही सो जाता है, पता नहीं क्या होता है इसको। हम 5 लोग जा रहे हैं बस, चाचा जी गांव में ही है। गाइस अभी एक बहुत खतरनाक सीन हुआ, हमको लेने थे सेब, मम्मी ने बोला कि सेब दे दो 1 किलो, तो उन्होंने डाल के दे दिए। फिर मम्मी बोली एक बार चेक कराओ मुझे, चेक कर, तो भाई सारे सड़े हुए। तो मम्मी गई, अब मम्मी गई है चेक करने के लिए। अब सही ले लिए, सही छाट लिए यार, सब घुसे दी व्हील देख, वो तो मैंने देख दिए वो जो दाग वाला धरी भाई ने, वो देख। स्कूल फोन लेके जाते हो? आज वो काम है ना थोड़ा। अच्छा काम है, क्या कहते हैं दाग वाले, अभी हम इन पर भरोसा करते हैं। देख वो मैंने कह दिया ना उसको दिखा दे, उसे दिखाई नहीं, पहले छाड़ने लग गया उनमें से, खराब रखे दे रहे। सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट। गाइस बच गए, नहीं तो अभी स्कैम हो जाता मैं साथ में, पूरे सड़े हुए सेब मिलते हमको। तो मम्मी ने बोला दिखाओ पहले, वो दिखाया नहीं भाई उन्होंने, वो चेंज करने लगे खुद ही। फिर मम्मी जी उतरी, मम्मी जी ने खुद छाट के फिर सही लिए, फिर जाके अम्मा को बोलता आपके लिए सेब लाया हूँ सड़े हुए। एक दिक्कत हो गई, कुनाली को आ रही है उल्टे, तो कुनाली उतर गया, अब मम्मी भी उतर रही है। कुनाली तो सो गया है मस्त। गाइस पहाड़ों में ना हो ही जाता है, बिकॉज ऐसे गाड़ी घूमती है ना, ऐसे गाड़ी घूमती है। अब चढ़ा रहे हो क्या? नींद बोलो क्या पता, कभी भी नहीं चढ़ाया था। सच बताओ? हां सच्ची हैं, सच्ची, मैं झूठ नहीं बोलता कभी। ये झूठ नहीं बोलता कभी, तो यही चढ़ा रहा है। मैं नहीं चढ़ा, पागल हो गया, झूठ बोल रहा है। ऊपर से बदबू कर रखी है इन्होंने गाड़ी में पूरी। रो क्यों रहे हो? गाइस रोड तो बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे, तो यहाँ पोर्शा तो आ नहीं पाएगी, देखो पूरे गड्ढे गड्ढे हैं। बट फॉर्च्यूनर पता नहीं लगता, कितनी भी रोड खराब हो फॉर्च्यूनर निकल जाती है सब जगह, कितना गड्ढा हो कुछ भी हो फॉर्च्यूनर निकल जाती है। तो भी गाइस यहाँ पे रुके हैं, मम्मी जी को फिर से प्रॉब्लम होगी यार, आपके लिए फॉर्च्यूनर सही नहीं है। मम्मी जी के लिए ना फॉर्च्यूनर सही नहीं है, बिकॉज फॉर्च्यूनर बहुत झूलती है, बहुत ऊंची है ना, तो पहाड़ों में मोड़ में बहुत झूलती है। गाइस ये देखो अब आइए, मस्त रोड, एकदम प्लेन रोड, यहाँ पे मजा आ रहा है चलाने में। ऐसी साइड रोड हो जाए ना तब मजा आएगा। गाइस रोड खराब होने का मेन कारण है लैंडस्लाइड, देखो राइट में पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है ना, तो उससे रोड खराब हो जाती है। रोड बनाते तो हैं बट खराब हो जाती है, देखो यहाँ भी हो रखी है ना पूरी खराब। ये पुल गिर सकता है इसलिए कोई नया बना रहे हैं राइट में, और सामने वाला पहाड़ भी गिर सकता है। अब मम्मी कह रही है दोबारा रोकने के लिए, तीसरी बार, कुछ ज़्यादा हालत ख़राब होगी मम्मी की। तो गाइस कोई सजेस्ट करना अच्छी गाड़ी मम्मी के लिए, और सेडान होनी चाहिए, नीची गाड़ी, ऊंची गाड़ी नहीं लूंगा मम्मी के लिए। कुनाली आप ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। यहाँ पे हमारे इतने सारे लोग आ गए सब्सक्राइबर। तो भी गाइस रुके हम चटपटे छोले खाने के लिए, और जब भी आते हैं ना हम ये जरूर खाते थे भाई। गाइस छोले इतने मस्त हो रहे हैं, मैंने तो चावल भी मंगा लिए, छोले चावल खाएंगे मस्त। फाइनली मेरे आ गए छोले चावल, अब खाऊंगा मस्त। तो गाइस मस्त खाना पीना हो चुका है, तो अभी हम ले रहे हैं मिठाई यहाँ पे, इसको चॉकलेट पसंद है। कुनाली देख लो बड़ी मम्मी आपके लिए चॉकलेट भी ले रही है। चलो गाइस सामने ट्रक पे देखो क्या लिखा हुआ है, डर मत पगली पहाड़ी है हम। बच्चों की छुट्टी हो गई है, बच्चों की छुट्टी हो गई है भाई, चौथी बार रुके हम। गाइस अभी तो 2 घंटे और लगेंगे पहुंचने में, मम्मी ने अभी तक 4 बार रुकवा दी है। मम्मी को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू आ रहे हैं, बुरा सा लग रहा है बहुत। अब कोई नीची गाड़ी लेनी पड़ेगी मुझे, जो कि मतलब कंफर्टेबल हो मम्मी के लिए। इसमें तो मेरा पेट घूमता है, अगर मैं चला रहा हूँ ना, मैं इधर बैठा हूँ कोई और चला रहा हूँ तो मेरा भी घूमता है, तो मेरे साथ भी होता है। पीछे और भी ज़्यादा घूमोगे? पीछे और भी, मैं सो जाते हैं जरा देर। बस बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। अच्छा सो के जाओगे क्या? पीयूष आगे, मम्मी पीछे सो गई है। तो गाइस पहुंच चुके हैं गांव। चाचा जी प्रणाम। गाड़ी पार्क कर दिए यहाँ पे। नमस्कार।
यार आपका चेहरा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। मम्मी मम्मी ध्यान से गाड़ी आ रही है, ध्यान से गाड़ी आ रही है। तो गाइस फाइनली अभी जा रहे ऊपर। अम्मा से पहले मैं मिलूंगा, अम्मा से पहले मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा सब पहले। प्रणाम। ठीक है जी, ठीक हो? ये नाम से जा पहले 95 ईयर ओल्ड अम्मा। गाइस ये मडुआ है जिसके हम रोटी खाते हैं ना, इसका आटा बन जाता है। ओ अम्मा। ओ प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? ठीक हो? प्रणाम बाबू। अम्मा से लंबा हो गया, मेरे बराबर हो गया ये? नहीं थोड़ा हो, थोड़ी रह गया, थोड़ा सा रह गया। यार लंबा हो गया तो आपके बराबर हो गया, इतनी जल्दी कैसे लंबा हो गए? है भाई मेल मिलाप, मेल मिलाप। दोनों बहुओं की हालत खराब उल्टी से। अम्मा मम्मी की हालत खराब होगी, पांच बार रोकनी पड़ी मुझे। आज 2 किलो है बार। हल्द्वानी कब आओगे ये बता? हल्द्वानी अगले महीने में। पक्का? पक्का। आप कब आओगे हल्द्वानी? पक्का अगले महीने में। यहाँ यहाँ अच्छा लगता है आपको? अच्छा क्यों लगती है, वहाँ गर्मी होती है फिर। कुछ भी बोल देगी अम्मा, कुछ भी। तो फाइनली गाँव पहुँच गए और सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और मजा भी आ रहा है। अरे उठा दिया। चलो भाई जूते उतार दिए, जूतों को रख देते हैं ऊपर, हमारे जूते रखने की जगह ये है ऊपर यहाँ पे। तो अब लंच करते हैं पहाड़ी स्टाइल में, बस नीचे बैठ के पहाड़ी खाना, वो भी अम्मा के हाथ का। अम्मा आपने बनाया ना? हाँ मैंने बनाया। दाल चावल हरी सब्जी, ये भी हाथ से, वो भी हाथ से, वो भी हाथ से, बाबू भी हाथ से, सब हाथ से, सब हाथ से। गाइस गांव के खाने का टेस्ट ही अलग होता है, आप बेस्ट जी रहे हो, बेस्ट खा रहे हो आप, पता है। गाइस ये देखो होममेड झाड़ू, ये पीरू का बना रखा है, यहाँ पे पीरू होता है ना। ये जो मेरे पीछे पेड़ है ना लंबे वाले, ये पीरू का ही पेड़ है, वो जो वो दिख रहे हैं ना वो। उस तो भी आ गया हूँ धारे में पानी पीने के लिए, मस्त नेचुरल पानी पियेंगे। गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ अम्मा बाबू के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, बिकॉज मैं बाहर रहता हूँ ना कभी कहाँ कभी कहाँ, तो मैं मिल ही नहीं पाता यार। तो आज और कल पूरा दिन मस्त टाइम स्पेंड करेंगे, अगर व्लॉग कम कर पाऊंगा तो सॉरी गाइस। और जब भी गांव आता हूँ ना तो बचपन के दिन याद आते हैं मुझे, कि मैं जब बिल्कुल छोटा सा था तो अम्मा बाबू किस तरह से खिलाते थे, किस तरह से डांटते थे, कहाँ जाने से मना करते थे, मैं फिर भी हरकतें करता था कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, तो वो सब याद आते हैं। और उस टाइम मुझे सब बड़ा लगता था, अब तो इतना छोटा सा लगता है ना मुझे। यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, कहाँ जा रहे हो? खेत में। कहाँ जा रहे हो? खेत में। चाची कहाँ जा रहे हो? खेत में। कहाँ जाते हो? खेत में जा रहा हूँ, अपने खेत में। ये है हमारे गाँव का पुल। आज मम्मी और चाची को अपने पुराने दिन याद आने वाले हैं, खेत में काम करने वाले, जब शादी हुई थी तो यहाँ पे फुल खेत में काम करते थे। प्रणाम। जीते रहो जा। प्रणाम। बहुत बड़ा खुश हो, बधाई, बहुत बहुत बधाई तेरे को। किस चीज की? गाड़ी की। दड़ी मोटी। ये देखो कैसे मेल मिलाप। सरदा गांव में तो अच्छा लग रहा है ना आके, कि मेरे को यहीं रहने का मन कर रहा है, ठंडी ठंडी हवा में। क्यों? ऐसी है देखो कितना मजा आ रहा है, आंखों में ना लग जाए। ध्यान से कुनाल रुको। अम्मा क्या कर रहे हो आप? ये घास काटते हूं यार। गाइस अम्मा अकेले आ गई यहाँ पे, अकेले। हम कह रहे हैं अम्मा कहाँ गए होगी, अम्मा यहाँ खेत में पहुंची पड़ी है, फिर हम भाग भाग के आए अम्मा के पीछे। अकेले क्यों आए आप? फिर क्या हुआ? फिर एक घास काटना था, घास बांटना था। तुम आराम करो, मेरे को आदत है दिया काम। मम्मी और चाची लग गए काम पे। यहाँ बोतल में पानी छिपा रखी है। पानी छुपा रखा है? कहाँ पानी क्यों छुपा रखा है? पीने के लिए। तो छुपा क्यों रखा है पानी? ये देखो कुनारी भी लग गया काम में। मैं भी ले जाऊंगा, मम्मी कहाँ तक ले जानी? घर तक। चलो घर तक ले जा सकेगा? हाँ। अरे कहाँ ले जा, रुक जा अभी। एक कट्टा इधर, एक कट्टा इधर, भाई दो दो ले जा रहे हैं। मेरे को प्यास लगी है, दे दो। कहाँ छुपा है? यहाँ ढूंढो। इधर कहाँ छुपा है? छुपाया क्यों है? ये देखो छुपा है। कितना पानी? कोई पीना लग गया। छुपाया क्यों है ये तो बता दो। अरे ये गर्म हो जाता है, धूप में गर्म हो जाता है। अच्छा गर्म हो जाता है इसलिए छुपा दिया। हाँ, इसलिए छुपा। मम्मी और चाची का काम है इनको बांधना, तो मम्मी ने बांध दिया, देखो 1 2 3 4 5। गाइस अम्मा को ना खेत के काम करने में मजा आता है, अम्मा डेली करती होगी ऐसे घर यहाँ पे। पहले जब मम्मी और चाची रहते तो वो भी करते थे। गाइस मम्मी जी ने तो बचपन से ही किया, बिकॉज मम्मी तो बचपन से पहाड़ों में रही है ना, तो मम्मी जी ने बचपन से शादी तक, तो शादी के बाद हरियाणा चले गए थे, फिर उसके बाद से बंद हो गया था, बट
बचपन से किया मम्मी ने तो चाचा जी ने बचपन से किया किया मैंने भी। सबसे तेज तो अम्मा कर रही है काम, देखो भाई कितनी तेज। मम्मी देखो खूब घा खा थी। ये देखो सास बहू इस तरह से काम करते थे पहले साथ में। मैं दो दिन के लिए आपसे मिलने आया हूँ, आप यहाँ घास काट रहे हो? नहीं आज ही काटते हूँ, कल को तो नहीं काटूंगी। कल नहीं काटोगे? नहीं आज ही काटना था ना, इतना ही था ये। ये देखो इससे कट ही नहीं रहा। ले कट गया इधर दे। अरे रुको ना, मेरे को करने दो। तो गाइस सारा काम हो चुका है, अब चलते हैं सीधा घर सारी घास लेके। तो थोड़ी मैं लेके जाऊंगा। ये तो दराटी ना हाथ में अच्छी नहीं लगती है। तो कहाँ चुभेगी? नहीं ओ भाई चलते रहो चलते रहो। ओ भाई सबसे ज्यादा मम्मी के पास है। कितने मम्मी है? ज्यादा पापा ले जा रही थी। कुनाली आप क्या ले जा रहे हो? मैं कुछ नहीं। क्यों नहीं ले जा रहे? तो ये ले जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं, चलो। ओ भाई सबसे ज्यादा ये क्या है? घास। अरे घास थोड़ी के, लेकिन इतना ज्यादा कैसे? चलो 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 भाई साहब, इतना सारा और इसको लेके इतना दूर जाना है भाई, एक दो किलोमीटर दूर जाना है घर। इतने पूरा एक किलोमीटर है यहाँ से हमारा घर। हेलो। चलो तभी यहाँ पे रुकना पड़ा सबको प्रणाम करने के लिए। यहाँ पे हमारे गांव के लोग काम कर रहे हैं ना, तो मम्मी लोग यहीं पे गए हैं सबसे मिलने के लिए, और हमारा सामान वहाँ पड़ा हुआ है। देखो सबको प्रणाम बोल दिया, अब चलते हैं यहाँ से। अब उठाते हैं, दोबारा उठाते हैं। अरे दो ना यार मेरे को दो। तो अभी यहाँ से आगे पीयूष लेके जाएगा, ठीक है? चलो चलो। चलो 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 भाई, पीयूष को देखो क्या मस्त लेके जा रहा है। गाइस यहाँ पे रहके ना मस्त वर्कआउट हो जाता है डेली, जो भी यहाँ रहते हैं ना उनका, इसीलिए सारे फिट रहते हैं। हमने फिर से चेंज कर लिया गाइस, तो अब मैं लेके जाऊंगा पूरे घर तक। मुंडी में दर्द हो गई। अच्छे से खिंचाना ठीक है, मैं थोड़ी सी दुपट्टा साइड कर दूँ। कुनाली बाबू आप भी आ जाओ, मेरा बच्चा। मेरे बच्चे तो जब तक तुम्हारा ब्लॉग नहीं देखते तब तक खाना ही नहीं खाते हैं भाई। इसका देखना है एक छोटे वाले को, बड़े वाला तो इसका। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं, आज तो सही वर्कआउट हो गया भाई, लेकिन अभी दोबारा जाना है भाई एक और खेत में काम करने के लिए। तो फिर से रोड में आ गए, अब जा रहे हैं दूसरे खेत में। कल हमने धान काटे थे ना। अच्छा इनको उठाना है? हाँ इनको उठा के, इनको इकट्ठा करना है। कुनाली रेडी? अच्छा उठाने का भी तरीका है देखो इस तरह से। कुनाली ये पता है क्या है? धान, धान जिसके चावल बनेंगे। तो चावल खाते हो ना आप? सारे धान झाड़ दे इसने, सारे धान क्या कर रहे हैं? बेइज्जती हो गई। ले भाई खेत में लड़ाई। रोते नहीं कुनाली, होता रहता है। गैस ये देखो ये है धान, इसमें से निकलेंगे चावल। ये देखो ये लगा दिया चट्टा यहाँ पे, इस तरह चट्टा लगाना पड़ता है, और ये सारे धान है। तो धान काट के हमने चट्टा लगा दिया है, अब इसके धान निकालने हैं हमको, फिर उसमें से चावल निकलेंगे। तो धान हम कल निकालेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में देखना हम धान निकालेंगे मस्त इसके। गाइस देखो कुनाली को डर नहीं लग रहा अंधेरे में। कुनाली को डर नहीं लग रहा? गिर जाओगे आप। मौसम इतना मस्त हो रहा है यहाँ पे ठंडा ठंडा। चलो अब चलते हैं डिनर करने के लिए नीचे, फिर से पहाड़ी स्टाइल में खाना। क्या बनाया अम्मा आज? आज आलू की सब्जी, आलू टमाटर प्याज। चलो भाई डिनर हो चुका है, अब चलते हैं ऊपर एडिटिंग करते हैं। तो गाइस अभी रात के 10 बज चुके हैं और सभी सो चुके हैं पहले ही, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। फिलहाल मैं भी अब सोऊंगा, मतलब यहाँ पे टाइमिंग यही है 9 बजे सो जाते हैं सभी भाई, मैं भी सो जाऊंगा। आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, कल जाना है ना खेत में। तो नेक्स्ट व्लॉग में देखना, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। सॉरी थोड़ा धीरे बोल रहा था। देखो गाइस ओरियो। अरे अबे यार। Thank you.